दुमका जिले के मसलिया शैक्षणिक अंचल क्षेत्र अंतर्गत केंद्र घाटा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के सभागार में अंचलाधिकारी सह बाल विकास पदाधिकारी रंजन यादव की अध्यक्षता में सहायिका रिक्त पद के चयन हेतु एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री यादव के अलावे महिला प्रवेक्षिका आकांक्षा कुमारी, मयमाला हेमरम, मुखिया जगन्नाथ सिंह, समिति सदस्य के प्रतिनिधि जयदेव मुर्मू, शिक्षक शिव कुमार, सेविका प्रियंका यादव एवं एएनएम मोनिका मरांडी विशेष रूप से उपस्थित हैं। आपको बता दें कि इस सहायिका चयन में कुल 5 महिलाओं ने अपना अपना आवेदन दिया, जिसमें सबसे ज्यादा 22 अंक सोबोरी कुमारी को प्राप्त हुआ, परंतु सोबोरी के पास निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वे दस्तावेज में अपना निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगा पाए, जिसके कारण उनके प्रतिवेदन को रद्द करते हुए दूसरे प्रतिभागी के चयन में दूसरे नंबर पर रूमा दास व मुक्ता कुमारी सिंह दोनों को एक समान कुल 18 अंक प्राप्त हुए, परंतु दिनों का अंक बराबर होने की परिस्थिति में दोनों के मैट्रिक परीक्षा के अंक देखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा अंक मुक्ता कुमारी सिंह का है, जिसे सर्वसम्मति से सहायिका पद के लिए चयन किया गया। इस मौके पर प्रतिभागी टिंकू कुमारी, झरना दास के अलावे संतोष दास, लालू दास, कार्तिक लायक, संतोष महतो, केशव महतो के अलावे दर्जनों महिला उपस्थित थीं।